सार्वभौम गृहस्थ संत नित्यालीलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार एवं उनके नित्य सहचर श्री राधा बाबा की पावन तपस्या स्थली गीता वाटिका के प्रांगण में श्री भाई जी की 129वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। श्रद्धाचंद सभा का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मंचस्थ श्री भाई जी मांझी एवं श्री राधा बाबा के चित्र पर पुष्पार्चन व दीप प्रज्वलन से किया गया। इस मौके पर हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति के संयुक्त सचिव रसेंदु फोगला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। उन्होंने विशिष्ट अतिथियों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, नगर के गणमान्य आगंतुकों, मीडिया कर्मियों तथा उपस्थित जनता जनार्दन का भी स्वागत किया। श्रद्धाचंद सभा की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि श्रद्धेय भाई जी ने धर्म के मर्म को समझा, इसलिए आज हम उनकी 129वीं जयंती मना रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। 50 वर्षों पूर्व नित्यालीला लीन हुए थे। लोग एक दो वर्षों बाद जाने वाले को भूल जाते हैं, लेकिन भाई जी इतने वर्षों बाद भी याद किए जा रहे हैं। वृंदावन के अच्युत लाल जी भट्ट ने श्री भाई जी का भावार्चन किया। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय ने कहा कि श्री भाई जी ने 13 वर्ष की अवस्था में ही स्वदेशी का व्रत लिया, जिसका उन्होंने आजीवन निर्वाह किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक सुभाष जी, गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ल, प्रोफेसर उषा सिंह, प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी ने भी श्री भाई जी के प्रति अपनी भावांजलि अर्पित की। श्रद्धाचंद सभा के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य अतिथियों द्वारा श्री भाई जी की पावन समाधि का पूजन किया गया। समाधि पर भगवान श्री राधा कृष्ण का चित्रांकन किया गया था एवं समाधि की परिक्रमा भी की गई। हमारे भाई जी के हमारे उन्होंने जो पद लिखा है हमारे सामने राकेश जी बैठे हैं, ये पत्रकार है, कैसा उनका भाव था आप जरा देखिए। समिति के संयुक्त सचिव श्री रसेंद्र फोगला जी पूज्य महाराज जी के साथ 7 दिनों तक हम लोगों को अपने गुरु एवं दादा गुरु की परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हम सभी को अपने आशीष एवं स्नेह से 60% क्षमता पर काम करने लगेगी, ऐसी हमारी परिकल्पना है। हम से पधारे हैं, वहाँ पर महाविद्यालय में अध्यापन का कार्य करा रहे थे, आपने विभिन्न भक्तिपरक साहित्य शोधपूर्ण लेख अंतर श्री रविकिशन जी का विशेष आभारी हूँ जो हमारे पास उपस्थित है। मैं उनका सभी भाई जी की 129वीं पावन जयंती महोत्सव के आज के इस आयोजन में स्क्रीन पर विराजमान वृंदावन धाम से पधारे संत श्री अच्युत लाल जी भट्ट, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक सम्मानित श्री सुभाष जी, उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर उषा सिंह जी,
इतिहास विभाग के प्रोफेसर हिमांशु चक्रवेदी जी, निदेशक स्थौर्य प्रशासन भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद भारत सरकार, डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, श्री विष्णु प्रसाद अजीत सरिया जी और उपस्थित सभी प्रभावजन, मैं सबसे पहले गोरखपुर वासियों की ओर से भी और अपने 1929वीं पावन जयंती के अवसर पर नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वास्तव में मनुष्य गृहस्थ हो या संत हो, उसे कैसे जीवन जीना चाहिए वह मार्ग सदैव भाई जी ने अपने व्यक्तित्व और अपने कृतित्व से हम सब के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करके दिया है। सदैव भाई जी को दिवंगत हुए लगभग 50 साल हो चुके और यह वर्ष तो उनके पुण्यतिथि के स्वर्ण जयंती वर्ष भी, लेकिन एक मानव के रूप में अगर मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो उसे कैसे जीवन जीना चाहिए, इसके आदर्श प्रतिमूर्ति सदैव भाई जी। और उस स्थिति में व्यक्ति के लिए महत्व तो नहीं होता कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला कोई भी व्यक्ति सद्भावना के साथ एक नेक नियति से अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो उसके लिए गृहस्थ और संत का भेद नहीं रह जाता। और मुझे लगता है कि सदैव भाई जी को उनके ज्ञान साधना के लिए, उनके कर्मयोग के लिए भारत का कौन ऐसा कोना होगा और कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा जो बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़े सम्मान के साथ स्मरण न करता हो। व्यक्ति का कृतित्व ही उसे महान बनाता है और सदैव भाई जी का व्यक्तित्व इस बात का उदाहरण है। एक सामान्य हाड़मास के मनुष्य में इतने सारे गुण आ जाए और साहित्य की साधना के माध्यम से साहित्य की इतनी बड़ी सेवा कर ले, यह एक सामान्य नागरिक के लिए असंभव जैसा दिखता है, लेकिन उस असंभव को संभव कर दिखाया सत्य है। जीवन का कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें उन्होंने अपने कृतित्व के माध्यम से अपने उस विराट व्यक्तित्व की स्थापना छोड़ी हुई। उनका जन्म जिन परिस्थितियों में राजस्थान की भक्ति और शक्ति के उस संगम की पावन भूमि पर होता है, राजस्थान की धरती से वे चल करके देश के अलग 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 कोने में होते हुए कहीं पर उन्हें अपने अध्ययन के लिए जाना पड़ा, कहीं पर अपने नौकरी और व्यवसाय के लिए जाना पड़ा, किसी क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जाना पड़ा। और हम सब जानते हैं 1926-27 में कल्याण के प्रकाशन को गोरखपुर से प्रकाशित होने के साथ ही उसके आदि संपादक के रूप में घर घर तक कल्याण को पहुंचाने का कार्य उस कालखंड में जिस महामानव ने किया वह
सनातन हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जितने भी साहित्य हैं, उनके पूर्ण रहस्यों को अत्यंत सहज सरल भाषा में आम जन तक पहुंचाना, अलग अलग क्षेत्रों में धर्म के उस मर्म को कल्याण जैसी मासिक पत्रिकाओं के माध्यम से घर घर तक पहुंचाना, जहां उन्होंने अपनी साहित्यिक साधना का केंद्र बनाया था, वही जब इस देश को आजादी की उस लड़ाई के दौरान इस बात को महसूस हो रहा था कि साहित्यिक साधना जागरण के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का माध्यम भी बनना चाहिए, तो कल्याण को उन्होंने इसके लिए माध्यम बनाने में कोई संकोच नहीं किया। कल्याण की पत्रिकाएं जब्त होती है, भाई जी गिरफ्तार होते हैं, उन्हें प्रताड़ना दी जाती है, क्रांतिकारियों के साथ उनके संबंधों को ध्यान में रखकर के उस समय की सरकार उन पर पैनी निगाह रखी हुई थी, लेकिन उस सब की प्रवाह के बगैर माता और मातृभूमि के प्रति एक भारतीय नागरिक के मन में जो भाव पैदा होना चाहिए, उस भाव को किस रूप में उन्होंने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया, अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है, वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है कि उस कालखंड में साधन नहीं थे तब भी कल्याण पत्रिका घर घर पहुंच गई, आज साधन है। आखिर धर्म है क्या? भाई जी साहित्य की भी सेवा कर रहे हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग ले रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, कहीं हैजा है, कहीं कोई बीमारी फैली है उसमें सेवा के साथ भी जुड़े हुए हैं, कहीं कोई आपदा आई है तो सेवा के संकल्प के साथ भी अपने आप को जोड़े हुए हैं, कहीं भी भारत और सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए मानवित्वों की प्रतिस्थापना के किसी अभियान पाई कि वास्तव में धर्म के वास्तविक मर्म को उन्होंने समझा था, और इसलिए जो भारत के लिए, भारतीयता के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए अच्छा है वह उनके लिए भी अच्छा है, और उसी को माध्यम बना करके उन्होंने जीवन किया, और यही कारण है कि सत्यदेव भाई जी को इतने वर्षों के बाद भी हम बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ स्मरण करते हैं। हर भारत का वह नागरिक जिसको सनातन धर्म से थोड़ा भी प्यार है, वह भाई जी के नाम के साथ अत्यंत श्रद्धा के साथ इस नाम का स्मरण करता है, और मुझे लगता है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब हम प्रवेश किए हो, जब देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है और 15 अगस्त 2022 को देश अपनी आजादी का 75वां वर्ष मनाएगा, उन स्थितियों में जब हम इन महान देश के सभी महान क्रांतिकारियों का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया था, तो स्वाभाविक रूप से उस क्रांति के लिए प्रेरित करने वाले, उस क्रांति के विचारोपण को आगे बढ़ाने वाले और प्रत्यक्ष रूप से उस क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सहभागी होने वाले सदैव हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जैसे महामानवों का भी स्मरण हम सब के लिए वर्तमान प्रत्यक्ष में अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आज मुझे यही कहने में कोई संकोच नहीं कि वास्तव में धर्म हम लोगों को एकांकी पक्ष के साथ जीने के लिए कतई नहीं छोड़ता। धर्म का मतलब केवल धर्म हमें अपनी उपासना भीतर नहीं छोड़ता, वो तो मत है, वो मजहब हो सकता है, वो संप्रदाय हो सकता है, वो पंथ हो सकता है, वो उपासना विधि हो सकती है, लेकिन धर्म को हम उपासना विधि तक सीमित न माने। धर्म में विराट स्वरूप है जो इस लोक में हमारे उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर सके और इस लोक के बाद हमारे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर सके, वही वास्तविक धर्म है, और वास्तविक धर्म वही है जो हमें हर सम विषम परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्यों से चुट न करता हो, अपने कर्तव्यों पर अड़िग होकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हो, और सदैव भाई जी ने सदैव
अपने कर्तव्य पथ पर उसी प्रकार से आगे बढ़ करके धर्म के इस पथ का अनुसरण किया। अगर उन्होंने धर्म के इस पथ का अनुसरण नहीं किया होता तो संभवतः 129वीं जयंती आते आते लोग भूल जाते हैं। आप देखते होंगे कोई व्यक्ति जिया है, जन्म लिया है, एक दिन मरेगा जरूर। भौतिक देह है, ये नश्वर है, जिसने जन्म लिया है एक दिन मरेगा। लेकिन हम इस बात को जानते हैं बहुत सारी चीजें लोग अपने जन्म के समय महानता उड़ करके निकलते हैं, लेकिन बच्चे के 2 साल 3 साल 4 साल के बाद लोग भूल जाते हैं। वो भी कुछ था, क्योंकि जब कोई शाश्वत और सत्य के नजदीक नहीं होता तो एक समय के बाद लोग उसको विलोप कर देते हैं, क्योंकि उसका स्थान दूसरा ले लेता है। लेकिन भाई जी का स्थान कोई दूसरा नहीं ले पाया। 50 वर्ष हो चुके हैं, 50 वर्ष होने के बाद भी साहित्य साधना में उस प्रकार का व्यक्तित्व आज तक हमारे सामने नहीं आ पाया। जो हर प्रकार के साहित्य का सृजन कर सके, उसे देशानुकूल और जनानुकूल बना सके। कल्याणदेशी पत्रिकाओं में, मैं आज भी कल्याण की पत्रिका को देखता हूं और मैं देखता हूं कि उसमें आदेश ज्यादातर वही है जो सरदेव भाई जी के समय के, वही है। और जो आज से 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले, 70 वर्ष पहले, 80 वर्ष पहले जो समय था, वही आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। और यही तो धर्म है, तो शाश्वत है। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में इस दौरान इस देश ने तमाम परिस्थितियों को झेला है, तमाम परिस्थितियों का सामना किया है। सेवा के इससे अच्छे प्रबंध और क्या देखा जा सकता है कि हनुमान प्रसाद स्मारक समिति ने एक सेवा का बेहतर प्रकल्प दिया। सेवा केवल बोलचाल की भाषा में नहीं होगा, बल्कि सेवा वास्तविक और व्यवहारिक जीवन में भी होगा, जो आम जन को बिना किसी भेदभाव के सेवा को उपलब्ध कराने का माध्यम बनेगा। और यही तो हमारा धर्म कहता है। हमने सेवा के मार्ग में भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, कोई भेद नहीं। हम समाज के सहयोग से हर प्रकार का सहयोग, जो लोग कल्याण के मार्ग के लिए अनुकूल हो, उन सबका सहयोग लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और ये कार्यक्रम आज हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति कैंसर हॉस्पिटल के रूप में आगे बढ़ा रहा है। सदैव भाई जी के नाम पर तमाम स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, संस्थान चल रहे हैं, सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, अचानक नहीं। गोरखपुर आगमन के साथ या उससे पहले भी अगर हम देखें कि पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, या देश के अन्य तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर भारत और भारतीयता के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए सदैव भाई जी के योगदान को लोग बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हो, हम सब को इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है जब हम लोगों को गोरखपुर और सदैव भाई जी के साथ जुड़ने की अनुभूति महसूस होती है कि वास्तव में हम उसी गोरखपुर में हैं जिस गोरखपुर को केंद्र बिंदु बनाकर सदैव भाई जी ने अपने साहित्य साधना को आगे बढ़ाया था, अपने कर्म साधना को आगे बढ़ाया था, धर्म के इस मर्म को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया था। और मैं इसके लिए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि सदैव भाई जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के अनुरूप उनकी उन सभी कार्यक्रमों को यह स्मारक समिति निरंतरता बनाए हुए है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आवश्यकता पड़ती है तो उसको आधुनिकता के साथ जोड़ने का कार्य भी कर रही है। और मेरा सौभाग्य है कि आज 129वीं इस पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर भी मुझे यहाँ पर भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आपने यहाँ के मंच पर उपस्थित सभी जितने भी वक्तागण होंगे, वक्तागण हैं, इन सब के
इन सब के उद्बोधन में सर्वे भाई जी के व्यक्तित्व और विराट व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में व्यापक रूप से सुना होगा। मैं आज के इस अवसर पर सर्वे भाई जी को 130वीं जन्म जयंती के इस पावन पर्व पर कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। गोरखपुर के आध्यात्मिक चेतना के दो केंद्र गोरखनाथ और जीताबा जी का है। गोरखनाथ मंदिर का सदैव ही एक ज्येष्ठ भ्राता की तरह से आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है जीताबा जी का परिसर के लोगों को, जीताबा जी का परिवार। Thank you.